कहते हैं ना कि अर्टिगा पे वेटिंग बहुत है, मिलती नहीं है। हाँ वेटिंग रहती है, लेकिन फिर भी भाई नवंबर 2022 में इस अर्टिगा के। हेलो दोस्तों, वेलकम टू सुरेश के वीडियो चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और भाई आपका नया साल बहुत ही ज़बरदस्त रहा होगा। भाई आज बात करेंगे अर्टिगा के बारे में, और ये मैंने ZXi वेरिएंट लिया है। अब आप कहेंगे भाई अर्टिगा क्यों, ये नए वाली है क्या? नहीं भाई, ये 2022 मॉडल ही है, लेकिन इसने 2022 मॉडल में वो कारनामे कर दिए जो भाई आदमियों की सोच से भी परे है। भाई लोग कहते हैं ना कि अर्टिगा पे वेटिंग बहुत है, मिलती नहीं है। हाँ वेटिंग रहती है, लेकिन फिर भी भाई नवंबर 2022 में इस अर्टिगा के 13,818 यूनिट्स बिके हैं। भाई टॉप 7 नंबर पे अर्टिगा आ गई है नवंबर 2022 में। 7वें नंबर पर सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार है अर्टिगा। अब भाई बात करते हैं कि बिकने का कारण क्या रहा, उन सारे कारण पे बात करेंगे, तो वीडियो को ना लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और चैनल पे पहली बार है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। क्यों बिकती है अर्टिगा, क्योंकि देखो आपको पता है भाई MUV व्हीकल है, ठीक है, तो टैक्सी पर्पज़ में तो चल ही रही है, साथ ही साथ में भाई अर्टिगा की ज़्यादा बिकने की रीज़न जो है वो है रिलायबल, मार्केट वैल्यू है, रीसेल वैल्यू है, अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी है गाड़ी की, स्पेसियस है, भाई बहुत सारी चीज़ें हैं। सारी चीज़ों के साथ साथ भाई सबसे अच्छी बात जो है वो अर्टिगा में वो है भाई स्पेस। अगर कोई आप 7 सीटर गाड़ी लेने निकलते हैं तो आपको पहली चीज़ तो प्राइस बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, और उधर दूसरी साइड में क्या है, अर्टिगा जो है आपको सस्ती पड़ती है। सीटिंग मैनेजमेंट इस 7 सीटर का इतना बढ़िया किया गया है कि भाई सारी सीटें लगने के बाद भी इसमें 209 लीटर का बूट स्पेस आपको मिल जाता है। अर्टिगा 8,41,000 रुपये से शुरू होती है और भाई 12,80,000 रुपये तक इसका टॉप एंड मॉडल आपको पड़ जाता है, जो कि मैं इसकी एक शोरूम कीमत बता रहा हूँ। और अगर आप कोई भी कंपनी की 7 सीटर गाड़ी लेते हैं तो 20,00,000-26,00,000 रुपये में जाती है। तो भाई अब आप लोग ना लोग अवेयर हो गए हैं कि भाई 20-26 लाख रुपये की गाड़ी लेके क्या करेंगे, जब अर्टिगा में 7 सीटर है, मोर स्पेसियस गाड़ी है। पहले बात करेंगे भाई गाड़ी के फ्रंट के बारे में, एक एक करके सारी चीज़ें कवर करेंगे कि इस गाड़ी में ऐसा क्या है जिससे लोग इसको भाई ज़्यादा पसंद करते हैं। फ्रंट में आप देख सकते हैं 7 क्रोम एक्सेंट हैं, काफ़ी क्रोम का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। बॉडी कलर्ड बम्पर है, ZXi वेरिएंट है, तो भाई इसमें फॉग लैंप आपको इनबिल्ट मिल जाते हैं। यहाँ पर बात करें हेडलैम्प्स की, तो यहाँ पर एक प्रोजेक्टर भी मिल जाता है लो हाई बीम के लिए, यहाँ पर हैलोजन है, यहाँ पर भाई इंडिकेटर है। 1735 mm की विड्थ मिल जाती है भाई गाड़ी में, काफ़ी चौड़ाई है। और अगर लेंथ की बात करूँ तो 4395 mm की लेंथ है भाई। माइंड मत कीजिएगा, थोड़ा सा स्पेस नहीं है इसलिए मैं आपको साइड से ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये गाड़ी का कुछ साइड प्रोफाइल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें आपको प्रिसीजन कट डुअल टोन एलॉय व्हील मिल जाते हैं। ZXi वेरिएंट में आपको शीशे पर ही इंडिकेटर मिल जाता है जो कि इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल और एडजस्टेबल है। ZXi वेरिएंट में आपको डोर हैंडल पर क्रोम मिल जाता है और डोर पर सेंसर बटन भी मिल जाता है। ये रही कुछ इसकी चाबी इस तरीके की, पहले गाड़ी को ओपन करेंगे, यहाँ पर लॉक अनलॉक का बटन है। अब एक बार बात करते हैं इंटीरियर की, तो इंटीरियर हम चेकआउट करेंगे तो सबसे पहले ट्रिम देखते हैं। यहाँ ट्रिम पे आपको चारों दरवाजों के कंट्रोल मिल जाएंगे, ऑटो लॉक अनलॉक का, चाइल्ड लॉक है, और भाई जो ORBM है वो इंटरनली एडजस्टेबल और फोल्डेबल करने के बटन यहाँ पर दिए हुए हैं। इस वेरिएंट में आपको वुडन फिनिश मिल जाती है ट्रिम पे, जहाँ पर दी गई है आप देख सकते हैं। चारों दरवाजों में वाटर होल्डर मिल जाएंगे, चारों दरवाजों में चारों स्पीकर्स हैं, टच वाला म्यूजिक सिस्टम आता है। अब भाई एक बार बैठ लेते हैं गाड़ी में, इसको करते हैं बंद। अब भाई ड्राइवर सीट पे मैं बैठा हूँ, सामने स्टीयरिंग व्हील है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टीयरिंग पर स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड वॉइस कंट्रोल आपको मिल जाते हैं। मॉडर्न 4-लेयर डैशबोर्ड है भाई, इस वेरिएंट में आपको वुडन फिनिश भी मिल जाती है डैशबोर्ड पर। एक बार इग्निशन ऑन करते हैं, यहाँ रहा बटन, पुश स्टार्ट बटन आपको इस वेरिएंट में मिल जाता है। ये देखिए इग्निशन हो चुका है ऑन, सारे कंट्रोल सारे अलर्ट्स आपको इसमें दिखाई देंगे। RPM मीटर में आपको दिया हुआ है इंजन हीटिंग का भी गेज, और इधर स्पीड मीटर में आपको फ्यूल गेज भी दिया हुआ है। बीच में भाई MID है जो कि मल्टी कलर TFT के साथ है, जहां पर आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, रेंज और भी बहुत सारे टेम्परेचर वगैरह टाइम वगैरह दिखाई देगा। ये इसका म्यूजिक सिस्टम 7 इंच का एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ, ऑटो क्लाइमेट AC। यहाँ पर सेंटर कंसोल है भाई, 12 वोल्ट का एसेसरी सॉकेट आपको अर्टिगा में मिलता है। यहाँ पर USB पोर्ट है, सेंटर कंसोल में काफ़ी जगह है, और अगर आप ड्रिंक्स वगैरह पीने का शौक रखते हो ना, तो यहाँ पर आपको एक कूल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाता है जहाँ पर आप रख सकते हो। यहाँ पर ना हवा आती है कूल्ड, ठंडी ठंडी, तो आपकी ड्रिंक्स वगैरह भी ठंडी रहती है। इधर ये यूटिलिटी स्पेस, ग्लव बॉक्स, AC वेंट्स आप देखिए, इस अर्टिगा में नया डिज़ाइन दिया हुआ है जो कि बहुत ही प्रीमियम लगता है। और डैशबोर्ड पर देखो स्पेस के मामले में तो ना अर्टिगा का जवाब ही नहीं है, काफ़ी स्पेस है गाड़ी में। दो टूटर्स आपको इसमें मिल जाते हैं, इनर डोर हैंडल में भी क्रोम का यूज़ किया हुआ है। सबसे अच्छी पता है इसमें जो प्रीमियम फीलनेस आती है वो आती है भाई इसके डुअल टोन इंटीरियर से।
फाइव गियर ट्रांसमिशन के साथ आती है अर्टिगा। इसको करते हैं बंद और अब चलते हैं बाहर भाई, सीट्स की बात करेंगे। यहाँ पर हम ड्राइवर साइड सीट देखेंगे, तो ड्राइवर साइड सीट जो है वो आपको हाइट एडजस्टमेंट के साथ में मिल जाती है, रिक्लाइन है, ठीक है। सारी सीटों पर आपको इंटरनली एडजस्ट, सभी सीटों पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। सीट बेल्ट जो आती है इसमें वो भी हाइट एडजस्टमेंट के साथ में आती है। असिस्ट ग्रिप है सभी सीट्स पर, सभी ड्राइवर्स के लिए, सभी को ड्राइवर्स के लिए। ये कुछ रियर का मैं आपको दिखा दूं। यहाँ देखिए, पता है जो इसका मिडिल ग्लास है, मतलब ये वाला डोर का जो ग्लास है, कितना बड़ा है भाई, काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी देता है अंदर बैठ के। ये देखिए अर्टिगा में जो सेकंड रो है ना, वो 50-50 स्प्लिट्स है। हालांकि है तो 60-40, लेकिन 50-50 स्प्लिट्स हो जाती है। इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, पूरी तरीके से रिक्लाइन है। यहाँ पर आपको ड्राइवर और को ड्राइवर सीट के बीच में आर्मरेस्ट मिल जाता है, जो कि इनबिल्ड आता है कंपनी से ही। यहाँ पर एसेसरी सॉकेट है सेकेंड रो पैसेंजर्स के लिए। चारों स्पीकर्स का सेटअप है। ये सेकेंड रो वालों के लिए एसी दिया हुआ है भाई। बहुत सारे लोग पता है क्या कहते हैं, यूट्यूब पे आपने काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी, उन्होंने बोला है कि भाई ये वाला जो एसी है ना, वो आगे वाले एसी की हवा खींचता है। इसमें जो फैंस हैं, ब्लोवर्स हैं, और वो सेकेंड रो वाले बैठे पैसेंजर्स को हवा देते हैं। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें अलग ही इनबिल्ड ब्लोवर है, एसी है, फैंस हैं, ये अपना अलग ही काम करता है। और भाई सेकेंड रो सीट्स पर आपको मिल जाएगा यहाँ पर आर्म रेस्ट, यहाँ पर आप रख सकते हैं। एक इधर आपको रूफ लैंप मिल जाएगा रियर पैसेंजर्स के लिए। असिस्ट ग्रिप सभी में है। चलिए एक बार ना मैं इसको फोल्ड करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इस तरीके से हो चुकी है फोल्ड, ठीक है, इस तरीके से फोल्ड हो जाएगी। और ये अभी जो थर्ड रो है इसकी, वो पूरी फोल्ड की हुई है, यानी कि 50-50 स्प्लिट्स है। अभी 802 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है भाई। मान लो 7 सीटर है, ठीक है, अगर आपको ज़्यादा कभी सामान लेके जाना है तो आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हो। और भाई 5 लोग तो फिर भी बैठ सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है अर्टिगा की हाई रीसेल में। वहाँ पर भी एसेसरी सॉकेट दिया हुआ है भाई थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए। बॉटल होल्डर भी दिया हुआ है उस पैसेंजर्स के लिए भी और इस पैसेंजर्स के लिए भी यहाँ भी। तो भाई मल्टीपर्पज़ यूज़ व्हीकल इसीलिए है ये, कि इसको आप ना सामान में, पैसेंजर्स में हर तरीके से यूज़ कर सकते हो इसका सीट्स को फोल्ड करके। अब एक बार मैं आपको ना इसका बूट चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर 3D LED टेल लैंप्स हैं, यहाँ पर इंडिकेटर है, यहाँ पर रिवर्स लैंप है, और ये इधर पूरा LED सेटअप है। यहाँ पर स्मार्ट हाइब्रिड की बैजी, क्योंकि स्मार्ट हाइब्रिड इंजन आता है गाड़ी में। ZXI वेरिएंट में बाइपर, डिफॉगर और वॉशर यहाँ पर मिल जाता है। ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैंप। अब एक बार मैं आपको बूट ओपन करके दिखा देता हूँ। सीट्स अगर इसकी स्प्लिट ना हो 50-50, तो 209 लीटर का बूट स्पेस बचता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको अगर हम हटाएंगे तो 209 लीटर का बूट स्पेस होगा। अभी ये 802 लीटर का बूट स्पेस है, देखिए। तो एक बार मैं इन सीट्स को ऊपर उठाता हूँ, कुछ इस तरीके से रहेगी ये। ये रहा भाई 209 लीटर का बूट स्पेस। अब एक महिंद्रा की बोलेरो भी आती है, जो कि 7 सीटर गाड़ी है। उसमें आपको बूट स्पेस बिल्कुल नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें जो थर्ड रो है ना, वो फ्रंट फेस सीटिंग मैनेजमेंट के साथ है। आमने सामने लोग बैठते हैं तो अच्छे से बैठ भी नहीं पाते। इसमें यहाँ बैठ भी जाएंगे और पीछे आपको बूट स्पेस भी मिलता है। तो ये है अर्टिगा का कुछ रियर लुक, ठीक है। अब बात करते हैं भाई गाड़ी में सेफ्टी के, कि गाड़ी में सेफ्टी क्या है। तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई मारुति आपको 2 एयरबैग देती है, EBS CVD, पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, ESP और हिल होल्ड असिस्ट, जैसे बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं। टेक्नोलॉजी की बात करें तो अर्टिगा में आपको 1500cc का स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो कि आपको 75.8 किलोवाट, 6000 RPM की पावर देता है, 136.8 4400 RPM का टॉर्क देता है। लगभग कंपनी जो इसका माइलेज क्लेम करती है पेट्रोल में, वो 20.15 का क्लेम करती है, एंड CNG में 26.11 का क्लेम करती है। तो भाई मारुति अर्टिगा का 7वें नंबर पे आने का रीज़न बस ये भैया यही है कि एक तो रिलायबल है, पॉकेट फ्रेंडली है, और भाई स्पेसियस है। कीमत स्टार्ट होती है इस MUV व्हीकल की 8,41,000 रुपये एक्स शोरूम से, 12,78,000 रुपये तक। ये है ZXI, इसकी कीमत 10,65,000 रुपये एक्स शोरूम है। ऑन रोड जो आपको पड़ेगी करीब करीब 12,50,000 रुपये की पड़ेगी आपको आकांक्षा रामपुर शोरूम में। अगर आपको कोई भी अर्टिगा से रिलेटेड या किसी भी और गाड़ी से रिलेटेड कोई इंक्वायरी करनी है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप वहां पे संपर्क करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और भी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और भाई चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि आने वाली और भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। गुड बाय।